Good morning class. Welcome back to your computer class. Your lesson is log on to the logo. Let's start the what is the logo. First we revise logo जो आप लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं. What is logo? Logo it is one of the easiest computer language. ये क्या है? कंप्यूटर की एक सबसे सरल लैंग्वेज है. जैसे हम और आप लोग किस में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, तो कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे कहलाता है लोगो, LOGO. इसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. ओके, जो लोगो का शेप होता है किसकी तरह होता है? ट्रायंगल की तरह होता है, और उसे क्या कहते हैं हम? टर्टल. ये आगे आपको मैं डायग्राम के रूप में समझाऊंगी. ओके, लोगो स्क्रीन स्प्लिट इन टू पार्ट्स. लोगो स्क्रीन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है मेन स्क्रीन, सेकेंड है कमांडर विंडो. मेन स्क्रीन और कमांडर विंडो. कमांडर विंडो के भी टू पार्ट्स होते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स और रिकॉल लिस्ट बॉक्स. कमांड इनपुट बॉक्स एंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स. कमांड इनपुट बॉक्स को शॉर्ट में इनपुट बॉक्स भी कहते हैं. नेक्स्ट, अब हम आपको इसका आगे के लोगो के आगे के बारे में बताते हैं. व्हेन यू ओपन MSW लोगो, MSW मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो. जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो ओपन करते हो तो आपको काफी सारे बटन उसमें दिखाई देते हैं. दे आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. ये हर बटन अलग अलग काम करते हैं. फर्स्ट होता है एग्जीक्यूट बटन, सेकंड स्टेटस बटन, हार्ड बटन, रीसेट बटन. जब भी आप लोगो टू रन अ कमांड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन और प्रेस एंटर की. जब भी आप इसमें कोई कमांड दोगे, लोगो में कोई भी कमांड दोगे, या तो एग्जीक्यूट बटन दबाना है या फिर एंटर बटन आप लोग क्लिक करोगे. स्टेटस बटन जो भी आप इसमें काम करते हो उसका स्टेटस बताता है. हार्ड बटन इट इमिडिएटली स्टॉप द लोगो फ्रॉम द प्रोसेसिंग फर्दर. नेक्स्ट रीसेट बटन, इट रीसेट द लोगो आउटपुट स्क्रीन. मीन्स जो भी आप लोगों में कोई भी डायग्राम बनाते हो उसको वापस लेके आने के लिए, उसको मेन स्क्रीन में लेके आने के लिए रीसेट बटन का यूज करते हैं. नेक्स्ट, नो अबाउट टर्टल. पहले हम लोग टर्टल के बारे में जान ले कि टर्टल होता क्या है. टर्टल इज अ स्मॉल ट्राइंगल ऑब्जेक्ट दैट ओबेज ओनली लोगो कमांड. ये एक छोटा सा टर्टल होता है जो सिर्फ लोगो कमांड को जानता है. जो भी हम इसमें कमांड देंगे वो अभी आपको मैं बताऊंगी कैसे कमांड देते हैं. सेकंड है अ टर्टल हैज टू पार्ट. टर्टल के टू पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हेड कहते हैं, नीचे वाले को टर्टल. द पॉइंटेड, हाँ ये हो गया. नंबर फाइव है अ टर्टल मूव्स ऑन द मेन स्क्रीन. और जो आपका टर्टल होता है मेन स्क्रीन में चलता है. आपको बताया था ना लोगो स्क्रीन टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. पहला होता है मेन स्क्रीन, दूसरा होता है कमांडर विंडो. तो ये कमांडर विंडो में नहीं चलता है, ये सिर्फ मेन स्क्रीन में आपका टर्टल शो होता है. और इसमें हम डायग्राम मेन स्क्रीन में ही हम डायग्राम बनाते हैं. इसके बाद है नो अबाउट प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्या होता है? जो भी हम कमांड देते हैं, जो भी हम टर्टल को चलाने के लिए जो भी हम कमांड देंगे उसी को कहते हैं हम प्रिमिटिव. क्या है ना, द लोगो कमांड आर नोन एज प्रिमिटिव. द टर्टल ओबेज द प्रिमिटिव. टर्टल प्रिमिटिव के ही रूल्स फॉलो करेगा जो भी हम इसमें कमांड देंगे. When we press the enter key, उस जब हम कोई भी कमांड देखे हम एंटर देंगे तब ही टर्टल हमारा चलेगा. नेक्स्ट, वाइल टाइपिंग द प्रिमिटिव्स. प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं? प्रिमिटिव, जैसे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं ए से लेकर जेड तक, ये हमारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं. ए से लेकर जेड तक हमारे ये प्रिमिटिव्स कहलाते हैं. ऑलवेज लीव अ ब्लैंक स्पेस. जब भी हम प्रिमिटिव्स देंगे तभी हम ब्लैंक स्पेस को छोड़ेंगे. ब्लैंक स्पेस मतलब स्पेस, कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे जिससे कि, और प्रिमिटिव्स के बाद हम नंबर लिखेंगे जिससे कि ये टर्टल आपका चलेगा. नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्राम इन MSW. प्रोग्राम क्या होता है वर्ड लोगो में? व्हेन यू राइट प्रिमिटिव. जब भी आप प्रिमिटिव्स टाइप करोगे वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद, दिस इज सेट ऑफ प्रिमिटिव. इसी को हम प्रिमिटिव कहते हैं. अब देखो ये से तो आपको ये मैंने एग्जाम्पल के इसमें बता दिया, थ्योरेटिकल पार्ट में समझा दिया. अब प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी कि लोगो कैसे ओपन करते हैं. फर्स्ट
कैसे ओपन करते हैं लोगो उसके बारे में सब आपको फिर इसमें डिटेलिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट कैसे लोगो ओपन करते हैं, आपको मैंने पहले बताया, पिछले बार भी बताया था, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में क्लिक करा, इसके बाद क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। अब आपको जब आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करोगे तब आप लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो देखोगे। अगर किसी के कंप्यूटर में, घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड हो जाता है। आप किस कैसे डाउनलोड करोगे, MSW लोगो सर्च मार के और इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ये आसानी से आपको मिल जाएगा और आसानी से ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद हम इसमें ढूंढेंगे MSW लोगो। यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, दिख रहा है इसमें। अब जहां मैंने एरो लगा रखा है उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके इंस्ट्रक्शन मांगता है, इसके बाद आप लोग ओके में क्लिक करोगे, ये आपका ओपन हो गया। इसको फुल स्क्रीन के लिए मैक्सिमाइज बटन, फुल स्क्रीन के लिए मैक्सिमाइज बटन, देखो ये आपका लोगो स्क्रीन ओपन हो गया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसी को कहते हैं हम टर्टल। टर्टल हमेशा सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। टर्टल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये आपको दिखाई दे रहा है, बोला था ना कम लोगो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में। ये होता है आपका, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये आपका है मेन स्क्रीन, आपका है मेन स्क्रीन, और ये पूरा आपका है कमांडर विंडो। यहाँ से यहाँ तक आपका कमांडर विंडो, और यहाँ से यहाँ तक आपका मेन स्क्रीन। और टर्टल आपका हमेशा मेन स्क्रीन में ही चलता है या ड्रॉ होता है। नेक्स्ट, कमांडर विंडो के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक वन पोर्शन, ये है सेकेंड पोर्शन। ओके, जो ऊपर वाला पोर्शन है जो ग्रे पार्ट है, आपको शायद इसमें ग्रे नहीं दिख रहा है, जब आप अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा जिसमें देखोगे तो एक ग्रे पार्ट सा दिखाई देगा, ग्रे कलर दिखाई देगा, इसी को कहते हैं हम रिकॉल लिस्ट बॉक्स, और इसको कहते हैं हम इनपुट बॉक्स या कमांड इनपुट बॉक्स। इसको लास्ट जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है आपको ये वाला, इसे कहते हैं कमांड इनपुट बॉक्स, इसको कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ओके, और ये रहता है आपका, ये आपके बटन फॉलो करने के इसमें। अब हम टर्टल के बारे में कुछ पता करते हैं। टर्टल इट इज ए स्मॉल ट्राइंगल, बताया था आपको, इट इज ए स्मॉल ट्राइंगल दैट ओबेस ओनली लोगो कमांड, ये लोगो का कमांड ही जानता है। ऊपर वाले पार्ट को हेड और नीचे वाले पार्ट को आप टर्टल कहते हैं, और जो आपका टर्टल है हमेशा मेन स्क्रीन में ही चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा, ये आपका यहाँ पर रूल फॉलो करके ये ऊपर नीचे ये ड्रॉ फिगर बनाएगा। टर्टल हमेशा मेन स्क्रीन में ही ड्राइंग करता है। अब देखो प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं, यह है मेरा माउस, माउस को मैंने इनपुट बॉक्स में क्लिक किया, इनपुट बॉक्स में क्लिक किया, प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स कैसे कहेंगे, ए से लेकर जेड तक हमारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं, ए से जेड तक हमारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। अब ए से लेकर जेड तक कराएंगे, लेकिन ये फॉलो किससे होंगे, ये देखो इसको चलाने के लिए, टर्टल को चलाने के लिए हम क्या दबाएंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को आगे बढ़ाना है, फॉरवर्ड का शॉर्ट होता है FD, फिर करें स्पेस, FD स्पेस, कितने कदम आगे बढ़ाना है, 100 कदम, 100। प्रिमिटिव्स और नंबर क्या था, प्रिमिटिव्स और नंबर के बीच में हम क्या देंगे, स्पेस। पहले मैंने FD लिखा, फॉरवर्ड का शॉर्ट होता है FD स्पेस 100, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। देखो आपका टर्टल आगे बढ़ गया, फॉरवर्ड चला 100 कदम। अब इसे बैकवर्ड, मतलब मुझे नीचे लाना है, तो बैकवर्ड का BK स्पेस 150, एंटर, तो ये मेरा टर्टल वापस आ गया। मुझे लेफ्ट ले जाना है, LT स्पेस 140, एंटर, सिर्फ अभी वो लेफ्ट टर्न हुआ है, लेफ्ट नहीं जाएगा, सिर्फ वो लेफ्ट टर्न हुआ है। अब लेफ्ट टर्न से आप फिर FD स्पेस 100,
लेफ्ट टर्न कर रहा है, अब वो फॉरवर्ड मतलब आगे जाएगा, फिर एंटर। ठीक है, ये होता है आपकी, जो मैंने ये सब लिखे एफडी बीके एलटी एफडी, ये सब मेरे प्रिमिटिव्स थे। और ये 100 150 140 100 90 80 70 जो भी आप लिखोगे ये सब आपके नंबर्स होते हैं। प्रिमिटिव्स और नंबर के बीच में हमेशा स्पेस देते हैं। इसको वापस लाने के लिए, टर्टल को वापस लाने के लिए सिंपल से, या तो इसमें होम प्रेस होम लिखो, एच ओ एम ई होम लिखो और एंटर कर दो, तो वो होम में आ गया, जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां से वहां पर वो आ गया। लेकिन पूरा रिसेट करने के लिए, पूरी इसको रब करने के लिए या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा माउस देखो यहाँ लिखा है ना रिसेट, रिसेट में क्लिक करके ये मेरा माउस ये हट गया, जो भी मैंने ड्रॉ करा था वो सब मेरा हट जाएगा। ये होता है हमारा ये हमारा होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में हम जितने भी कमांड देते हैं वो हमारा सेव होता जाता है। इस कमांड को हटाने के लिए एच टी मीन्स सॉरी एच टी ने सी टी मीन्स क्लियर टेक्स्ट, सी टी प्रेस किया और एंटर, ये मेरा टेक्स्ट पूरा रब हो गया। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं आपको ढंग से बताऊंगी, बस अभी आपके लिए यही समझना था कि ये टर्टल कैसे मूव करता है। प्रिमिटिव्स, आपका प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं और नंबर्स किसे कहते हैं। प्रोग्राम क्या था, व्हेन यू राइट प्रिमिटिव वन आफ्टर, मैंने कैसे लिखा, जैसे एफ डी स्पेस 100 एंटर करा, उसके बाद फिर मैंने बी के स्पेस 130 करा एंटर, तो वन आफ्टर पहले एक के बाद दूसरा लिखा, पहले एफ डी 100 लिखा, इसके सेकेंड मैंने लिखा बी के 100। तो व्हेन यू राइट प्रिमिटिव्स वन आफ्टर, एक के बाद लिखा, तो इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रिमिटिव्स आपको बता दिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा समझाऊंगी इसे क्या होता है। टर्टल मैंने बता दिया आपको कि टर्टल कैसे मूव करता है, टर्टल के ऊपर वाले पार्ट को हेड कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को टर्टल सॉरी टेल कहते हैं। टर्टल का शेप कैसा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। टर्टल ओबेस ओनली लोगो कमांड, सिविल लोगो कमांड ही जानता। अगर हम एफडी 100 लिखेंगे, बीके 100, जो हम एलटी शॉर्ट लेफ्ट का शॉर्ट होता है एलटी, ये सब लिखेंगे तो हम ये हमारा टर्टल रूल फॉलो करेगा तभी ये चलेगा। अगर हम लोग कुछ और लिखेंगे या कुछ और मतलब एफडी ये सब ना लिखे, कुछ और भी हम कमांड लिखेंगे तो ये टर्टल अपना कमांड जो है वो फॉलो नहीं करेगा। ओके, टर्टल हैज टू पार्ट, हेड एंड टेल। ओके क्लास, वी विल मेट यू इन न्यू टॉपिक एंड सबमिट योर वर्क।